अयोध्या धाम में 22 जनवरी को श्री राम लला के विराजमान होने के उपलक्ष्य में 21 जनवरी से 30 जनवरी तक श्री राम जानकी हनुमत धाम में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। 30 जनवरी को नवीन गल्ला मंडी स्थित श्री राम जानकी हनुमत मंदिर में कलश यात्रा का शुभारंभ होगा, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रेलवेगंज के श्री खाटू श्याम मंदिर में श्री राम जानकी हनुमत धाम पहुंचेगी, जहाँ 1 बजे से ही श्री राम कथा का शुभारंभ अयोध्या धाम में पधार रहे कथा व्यास सुखनंदन शरण महाराज के श्रीमुख से होगा, जहां 22 जनवरी को श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल के बच्चों के द्वारा विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम 11 बजे से आयोजित होंगे, जिसके बाद 1 बजे से श्री राम कथा तथा शाम को 1100 दीपों के साथ दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। सादर आमंत्रण, सादर आमंत्रण 9 दिवसीय श्री राम कथा का हरदोई के श्री राम जानकी हनुमत धाम में श्री सुखनंदन शरण महाराज जी जो अयोध्या धाम से पधार रहे हैं, उनके श्रीमुख से हम सभी को ये श्री राम कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये सौभाग्य इसलिए और अधिक सौभाग्यशाली हो जाता है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला जी विराजमान हो रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आयोजन है। 21 जनवरी को कलश यात्रा के साथ श्री राम कथा का शुभारंभ होगा और 22 जनवरी को बच्चों के द्वारा श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल जो बच्चे हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक धार्मिक प्रस्तुतियों के साथ ही श्री राम कथा का शुभारंभ और शाम को 1100 दीपों से दीपोत्सव मनाया जाएगा। आइए, आप सब सादर आमंत्रित हैं। समय का ध्यान रखते हुए कथा का समय अपराह्न 1 बजे से 5:30 तक रहेगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और ये आमंत्रण मेरे राघव सरकार की तरफ से, मेरे बिहारी जी सरकार की तरफ से और भोले बाबा की तरफ से है। पुनः आप सभी को विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित किया जाता है। समय निकाल कर श्री राम कथा का रसपान करने जरूर पधारें। जय सियाराम, जय श्री राम।